यहाँ पर एक बुज़ुर्ग है मेरे भाई, जो बहुत ही पाए के बुज़ुर्ग थे, एक हज़रत है, एक हज़रत की अहलिया है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा हज़रत की अहलिया की कब्र। यह है बुज़ुर्ग, यह है मेरे भाई। कौन है कैस? जब मैं जहाँ से पहले आया था ना, तो इसको मैं इसी तरह बैठे पढ़ता हुआ देखा था, लेकिन अभी देखने पर अभी भी ये पढ़ रहा है। चलिए इनसे मिलते हैं, थोड़ा कैमरा छुपा के आते हैं, उससे मिलते हैं। क्या पढ़ा ये भाई? कुरान पढ़ रहा है यार, भाई कुरान पढ़ रहा है ये। माशाल्लाह बाइक भी लाया साथ में, माशाल्लाह। चलिए इनका वेट करते हैं, जब ये बाहर निकलेंगे ना तो उनसे मिलेंगे। ये माशाल्लाह यार, कैसी कैसी इंसान है यार, देख रहे भाई। अरे बाप रे, माशाल्लाह। भाई इनसे पूछते हैं, कैमरे को छुपा लेते हैं। तुम इनका वेट कर रहे थे, वहाँ से भी ये निकल चुके हैं। देखते हैं, इधर आते हैं, इनसे मिलते हैं। आइए, कैमरा को छुपा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई वीडियो बनने की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। कहाँ से आ रहे हैं आप भाई? मैं आपको देखा था, बहुत देर से कुरान ही पढ़ रहे थे, बहुत ही देर से यार। मैं सुबह से आपको देख रहा था, लेकिन मैं उस वक्त टोकने की हिम्मत नहीं पाया, तो मैंने आपको वेट किया। तो आप बता सकते हैं क्या कर रहे थे? भाई वीडियो बन रही, कोई दिक्कत तो नहीं ना? असल में मैं सुबह 6 बजे के बाद यहाँ मैं आ गया था। ये बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग हैं जी, वो तो पता है भाई, हुज़ूर मलिकुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह हैं। इन्हीं की बारगाह में मैं आकर, चूँकि मैं, मेरी एक नीयत थी, मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं हुज़ूर मलिकुल उलमा की बारगाह में आऊँ और एक बैठक में, यानी शुरू से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ से लेकर पूरे नाज तक ज़बानी कुरान मुक़द्दसा को, हज़रत को मैं सुनाऊँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप सुबह से अभी तक कुरान शरीफ पढ़ रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल। माशाल्लाह, आप हाफिज़ भी, माशाल्लाह। तो मतलब आप जैसे एक बैठक में कुरान शरीफ को पढ़ना चाह रहे थे, और आज आपने उस ख्वाहिश को पूरा किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं माशाल्लाह ज़बानी कुरान शरीफ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दी है। तो भाई मैं तहरीक की बेदारी से, जो ग़ुलाम हुसैन बलियावी साहब भी जो तहरीक चला रहे हैं, और उसको सपोर्ट करता हूँ। तो माशाल्लाह आप इतने बड़े काम किए, एक ख़त्म कुरान शरीफ बैठक पढ़े, तो क्या आप दुआ किए उनके लिए? जी, चूँकि ग़ुलाम हुसैन बलियावी साहब एक मिसाल है, और वो मेरे भी सदर साहब है, उन्हीं के मदरसा का मैं स्टूडेंट हूँ, जमात राबिया से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह आप उनके मदरसे में पढ़ते हैं? जी हाँ, माशाल्लाह। तो जाहिर सी बात है, आप माशाल्लाह तहरीक बेदारी के सपोर्टर हैं, तो और चूँकि मैं तो और ज़्यादा सपोर्टर हूँ, और उनका तो मैं समझिए कि बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैंने बिलखसूस अपने ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब के लिए मैंने दुआएँ की हैं, कि चूँकि जो आदमी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है या हक बोलता है, तो उनके बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके लिए बिलखसूस दुआएँ की हैं कि अल्लाह पाक है ना, उनके जो तहरीक जो चल रही है, उस तहरीक को अल्लाह कबूल फरमाए, और उनके तमाम नेक जायज़ तमन्ना को रब कबूल फरमाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपने उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की है? हाँ बिल्कुल, और चूँकि मैंने तमाम तो लोगों के लिए, जितने भी उम्मत मुसलमान है, आपके लिए भी मैंने दुआएं की हैं। देखिए भाई, ये सब बातें पूछने की नहीं है, लेकिन मैंने पूछा तो हाँ। जो गुस्ताख है माफ़ कीजिएगा, ठीक है, पूछने की नहीं है, लेकिन मैंने पूछा इस वजह से कि हमारे ऑडियंस जान ले कि जो माशाल्लाह बैठ के एक माशाल्लाह एक बैठक में आपने जो कुरान पढ़ी है,